मनोज भाई मिल चुके हैं और शायद आज जो प्रॉब्लम हमें आने वाली उसका सॉल्यूशन उन्हीं के पास बिल्कुल, है। बिल्कुल। सुबह के 6 बज चुके हैं और सन्नी अभी तक सो ही रहा है। सन्नी उठ जाओ, चलना नहीं है अपन जिस काम के लिए आए वही नहीं कर पाएंगे। हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। सन्नी जो है वो लेट उठा था लेकिन तैयार मैं लेट हुआ हूँ। और कल की वीडियो ना देखी हो तो आप देखना, होटल हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। सन्नी ने रात को 3:30 बजे तक एडिटिंग की है और सुबह 6-7 बजे उठा दिया मैंने उसको। यहाँ पे शंभू भाई आने की बोल रहे थे तो चल कर देखते हैं, शायद अगर नीचे मुलाकात हो उनसे। तो होटल जीके पैलेस है जो मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है। ओयो से बुक किया था हमने, काफ़ी सस्ता पड़ा और काफ़ी अच्छा भी है अंदर से। तो दिल्ली से परमिशन लेके आए? आता है ना से, दिल्ली से लेके सब आता है। दिल्ली से परमिशन लेके आनी पड़ेगी तब ये कैमरा अंदर अलाउड होगा। चलो चलते हैं दिल्ली। मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है। अब देखते हैं कैसे हमारा मोबाइल अंदर जा पाता है। क्या नाम है आपका? राहुल वानखेड़े। राहुल वानखेड़े हैं, ये बहुत टाइम से कमेंट कर रहे थे कि हमें मिलना है, बुधगया आए हुए थे। तो मैं अकोला से हूँ, महाराष्ट्र से। तो इनको इनकी जो वीडियो आते हैं नेट पर, यूट्यूब पर, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ये अंदर मतलब मोबाइल लेना अलाउड नहीं है? नहीं है। तो कैमरा कैसे लेके जाएंगे हम? नहीं, कैमरा मतलब नहीं ले जाने देंगे। मनोज भाई मिल चुके हैं और शायद आज जो प्रॉब्लम हमें आने वाली उसका सॉल्यूशन उन्हीं के पास बिल्कुल, है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मदद करने वाले हैं हमारी। तो हम आपके होस्ट समता वॉच टीवी से एक बाढ़ पार कर लिए, अभी दूसरी बची है। तो मनोज भाई ने हमें अंदर घुसा लिया है, अगर ये नहीं होते तो शायद हमें बहुत सारी समस्या आने वाली। ऐसा नहीं अंशुल, मैंने यहाँ पे जो बोधगया का जो मीडिया है मैंने उनकी भी बड़ी हेल्प की अंदर आने में। अच्छा, कम से कम आप लोग दिखा रहे हो, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया रहा। क्या बात है मनोज भाई, 4-5 मीडिया वाले मैंने उनको अंदर एंट्री कराई। क्या बात है, उनको प्रॉपर पता नहीं था कि अंदर एंट्री होनी कैसे, तो मैंने पहले ही गली पास बनवा लिया था। अच्छा, मैं जब अंदर आया था तो उन्होंने कहा था कि आज तो हम आपको छोड़ रहे हैं लेकिन कल आप जो यहाँ का जो कमेटी है उससे आप अपना लेटर लाएंगे। अच्छा। तो मैंने कल ही मैं आप लोगों को भी दिखा दे रहा हूँ, जो मेरे मीडिया बंधु जो आने वाले हैं उन जो चीज़ ध्यान से देख लें, अगर आप ये चीज़ नहीं करके आएंगे तो आपको अंदर अलाउड नहीं होगा। BTMC का मेरे को लेटर मिला है जिसमें लिखा है बुद्ध जयंती 2019 के अवसर पर इनके द्वारा दिनांक 17-18 मई 2019 को न्यूज़ कवरेज हेतु BTMC द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। और ये अनुमति मुझे ऐसे नहीं मिली है, मेरे व्यवहार जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ उग्र व्यवहार से मिली है, तो मुझे रूडली वहाँ व्यवहार करना पड़ा तब जाके मुझे अनुमति मिली, वरना वो लोग दे नहीं देते। ऐसा ही होता है, सही बात है। ये दूसरा पड़ाव आ चुका है, यहाँ से हमको एंट्री लेनी है। गया पुलिस का नंबर दिया है। मैं इस टेंपल के बिल्कुल पीछे प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पर कमिश्नर आए हुए हैं। अच्छा, जो जो DM है आगे वो आए हुए हैं, मैं वहाँ पर हूँ। तो आप लोग कवर करके पीछे आ जाना बिल्कुल। जब यहाँ एंट्री ली थी तो ऐसा लग रहा था कि पूरा आना वेस्ट हो गया, बट अब मनोज भाई के कारण
सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए हैं और हम बीच में घुस रहे हैं। ये मेन टेंपल था और यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। बाहर दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। ये जो था वो मेन टेंपल था। आगे जाके जो है वो बुद्ध का, जहाँ पर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वो पेड़ बोधि वृक्ष वो आगे है और हम उसी के पास जा रहे हैं इस वक्त। काफ़ी सुंदर है ये, देखिए कितना शानदार और भव्य टेंपल है ये। ये वो फेमस बोधि वृक्ष है जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और मुझे बड़ा ही खुशी हो रही है यहाँ पर आकर आज। लेकिन बड़े दुख के साथ ही बताना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे जो मुझे ज़्यादातर लोग दिख रहे हैं ये सारे के सारे महाराष्ट्र के लोग हैं और बहुत कम अदर स्टेट के लोग दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर बुद्ध ने छठा हफ्ता बिताया था, ऐसा लिखा हुआ है बोर्ड पे। और जब आंधी तूफान आ गया था तो यहाँ पर एक बड़ा सा नाग आया था और उनकी यहाँ पर उसने तूफान से रक्षा की थी। हालांकि मुझे ये कहानी थोड़ी ठीक नहीं लगती है, बाकी सच्चाई क्या है वो मुझे भी नहीं पता है। आप लोग यहाँ पर सुरक्षा ड्यूटी लगी हुई है, बिहार पुलिस से आप? तो यहाँ पर आमतौर पर इतनी कड़क सुरक्षा होती है या फिर आज के दिन है? यहाँ पर मतलब बम ब्लास्ट वगैरह भी हुए थे ना कुछ साल पहले, इस वजह से और ज़्यादा यहाँ पे हो गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। यहाँ पर सुरक्षा जो है हमेशा रहती है ऐसी, ऐसा नहीं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है इस वजह से इतनी सुरक्षा है। अरे एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया, ये जो टेंपल है बुद्ध का ये सम्राट अशोक ने बनाया था और उसके बाद लगभग कई सालों बाद बनाने के बाद इसको एक तरीके से भुला दिया गया था। कुछ हिस्सा इसका टूट भी गया था लगभग 200-250 साल पहले, इसको वापस से ढूंढा गया है और ऊपर का हिस्सा जो है फिर से बनाया गया है। यहाँ पर कुछ विदेशी भंते बैठे हुए हैं जो बोधि वृक्ष के नीचे कुछ धम प्रार्थना कर रहे हैं और वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आती है हिंदी? कहाँ से आए हो आप? नेपाल। नेपाल से आए हो? कितने दिन पहले आए थे? कितना टाइम हो गया आए हुए? नहीं पता नहीं। नहीं पता? नहीं, हिंदी तो आती है, बात नहीं कर रहे है ना। बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत डिसिप्लिन होते हैं, इस वजह से वो अपने जो बड़े मॉन्क हैं उनके बिना किसी से बात नहीं करते। और मेरे कैमरे की बैटरी लगभग ख़त्म होने वाली है।
यहाँ पीछे जो है ये प्रोग्राम हो रहा है, अलग अलग मोनेस्ट्री के लोग हैं, देश विदेश से जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के लोग आए हैं वो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं। यहाँ सन्नी भी खड़ा हुआ है और यहाँ पे कुछ प्यारे से छोटे से जो मॉन्क्स हैं वो बैठे हुए हैं। अभी इनकी जो है शायद शिक्षा चल रही है और काफ़ी क्यूट बच्चे हैं, छोटे छोटे से, ये नेपाल से आए हुए हैं। और मेरे कैमरे की जो है बैटरी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। मुझे लगता है वाइड एंगल शूट इसमें काफ़ी अच्छा आता है। अरे वो क्या है ना, मेरा वो खत्म हो गया बैटरी। हाँ नहीं तो मैंने वो कनेक्ट करने टाइम लग गया थोड़ा। तो ये जो फूड है संदेश जी के लिए और सबके लिए, ये सब एक थाईलैंड की फैमिली है जिनके द्वारा डोनेशन किया गया है, इसलिए सारे बच्चों को जो खाना ये प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो सारा जो अरेंजमेंट था और खाने का घंटों के लिए, ये डॉक्टर प्रवित की फैमिली ने किया था जो थाईलैंड से बिलोंग करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और जो भी आगे का वीडियो बनाएंगे वो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगा मैं, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतना लंबा हमको उसको वीडियो करना नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Keep supporting.